जा चुके हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरणा गुप्त भारत माता का वर्णन किस तरह किया था उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। भारत माता अमरों की जननी है और भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपदा भरा हुआ है, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। छात्रों, भारत माता के बारे में आप जान चुके हैं ना। भारत माता के बारे में आप सभी जान चुके हैं। भारत माता अमरों की जननी है और मुग्ध हस्त से सुख संपत्ति ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फुटाता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले, सुदानी आंचल में देखो कितने सुंदर बाव पले, भाई भाई मिल रहे सदाई, टूटे न कभी न नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां चंद्र सूर्य चिर काल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर हम सब गाएं तेरे इसकी गाथा, जय जय भारत माता। इस कविता के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। तो छात्रों, एक अंक के प्रश्नोत्तर बता देंगे हमें। पहले देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरणा गुप्त जी की जो कवि परिचय है, उस कवि परिचय में पहले आपको क्या करना है, कवि परिचय लिखना है, उसके बाद मीनिंग्स लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए छात्रों, नोट लीजिए, जय जय भारत माता। भारत माता कविता के कवि जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। कहां हुआ, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। कब, 1886 1876 उत्तर प्रदेश झांसी जिले चिरगांव एंब ऊर जन्मिसिदरु। यारो, मैथिली शरणगुप्त और बरेदिरतक्कंत कविते जय जय भारत माता। और एक बार सुन लो क्या बताते हैं, कौन भगवती चरण वर्मा, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फुटाता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले, इस दानिया जल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदाई, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में
अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, भारत माता के हिया यानी हृदय के बारे में। हे भारत माते निन्न हृदय हिमालय दष्टु एत्तरवागिदे, विशालवागिदे, अदरल्ली एष्टोंदु स्नेह तुंबिदे। दिल में अपने आप दबाकर हर एक दर्द को सहन करके अपने अंदर रख करके हमारा पालन पोषण कर रही है, हमको हरा भरा रख रही है। हे भारत माता तुम्हें क्या हो, जय हो। हे भारत माते निनगे जयवागते, निन्न नीरिनल्लि कमलवरळने, कमल किले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले। आम आम का मतलब क्या है, मावीन हण्णु, हण्णुगळ राज यारु मावीन हण्णु। धरती पर है आम पले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। दानी आंचल हल्का सा तिले सिरु बनना, आंचल सिरे शरण जो साड़ी की जो शोभा दिखाई देने वाली है, जो पल्लू उसमें सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहे, यही भावना है किसकी, मैथिली शरण बाई बाई मिल रहे सदा ही। ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮಿಲ್ ರಹೆ ಸದಾಯಿ, ಟೂಟೆ ಕಭಿ ನ ನಾಥ. ನಾಥ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕೆಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಮರಿ ಆ ಕಡೆ, ನಿನ್ನ ಮರಿ ಈ ಕಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೂಟೆ ಕಭಿ ನ ನಾಥ, ಜಯ ಜಯ तेरी लाल दिशा में ही माँ। लाल दिशा, सूरज कहाँ उगता है, सूर्य उत्तर रे पश्चिम होगा, होगा इसलिए पूरब पश्चिम दक्षिण दक्षिण उत्तर। तेरी लाल दिशा में ही माँ सूर्य चंद्र चिरकाल रहे, सूर्य चंद्र रो चिरकाल वागे रहे। तेरे पावन आंगन में, यह जो आंगन है पावन आंगन पवित्र वाद निन्न ई पुण्य भूमि ले भारत माते, पवित्र वाद निन्न ई पुण्य भूमि ले एनागले अंधकार हटे, अंधकार कत्तले कळेदु होगले और ज्ञान मिले, और क्या मिले, ज्ञान मिले। अंधकार हटे और ज्ञान मिले, कत्तले वडेदोडले नंतर ಏನಾಗ್ಲಿ ज्ञानವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗ ಈ ಪದ್ಯದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಹಲೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ, कवि परिचय लिखना है,
उसके बाद क्या करना है, मीनिंग्स लिखना है, मीनिंग्स के बाद प्रश्नोत्तर लिखना है। देखिए यहां पर जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है, कौन बता दें? देखिए आंसर कैसे लिखना है आपको बताता हूं। जय जय भारत माता, कविता के कवि कौन है? दिखाई दे रहा है ना? जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? यह जो आपके किताब में है ऑलरेडी, पुस्तक किताब में है, पुस्तक में प्रश्न क्या लिखना है, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है, यहां पर आपको लिखना है। क्या लिखना है वहां पर? मैथिली शरण गुप्त है। जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है। समझ में आ गया आपको? जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण। और सेकेंड वन क्या है? गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? गुप्त जी को पद्म भूषण जी को कौन सी उपाधि मिली है? गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है। सेकेंड थर्ड वन, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है, किसके सम्मानार्थ? किसके सम्मानार्थ? जब मैंने बताया था आपको कवि परिचय बताते वक्त, गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है किस कारण से, यह भी जानना बहुत जरूरी है आपको। किस लिए? साहित्य सेवा के साहित्य सेवा के सम्मानार्थ, साहित्य सेवा के सम्मानार्थ गुप्त जी को क्या मिला है? पद्म भूषण उपाधि मिली है। समझ में आ गया आपको? साहित्य सेवा के सम्मानार्थ गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है। तो छात्रों अब हम देखेंगे थर्ड वन,
ಕವಿ ಕವಿ ಕಿಸ್ ದೇವಿ ಕೀ ವಂದನಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ವಂದನಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। समझ में आ गए? पूर्व नाम देखेंगे, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में क्या बना है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। तो छात्रों, पित्तवन जो है, पानी कैसे फूटा आता है? पानी कैसे फूटा आता है? पानी सौ सौ स्रोतों से, सॉरी सौ सौ स्रोतों से पानी सौ सौ स्रोतों से बह बहकर आता है। पानी सौ सौ स्रोतों से बह बह कर फूटा आता है। छात्रों, तो हम देखेंगे पानी में क्या किले हैं? पानी में क्या किले हैं? पानी में कमल खिले हैं, किल्ला हंसवा किल्ला अंद्रेट अरड़ो
क्या किले हैं? पानी में कमल किले हैं। लास्ट वन, सुंदर बाव कहाँ पले हैं? आंचल में सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव धानी आंचल में पले हैं। देखिए छात्र, एक अंक के जो प्रश्नोत्तर है यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, और दो तीन वाक्य के जो आंसर है, दो तीन वाक्य के आंसर में आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगा। अब जो देखेंगे हम, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे छात्रों, भारत का हिया, खाली जगह भरिए, फर्स्ट वन भारत की हिया हिमालय है, दिल में अपना आग दबाकर, रखता हमको चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, स्नेह भरा हरा भरा। देखिए यहाँ पर तुकांत शब्द मीन्स व्हाट? राइमिंग वर्ड्स। फोर्थ वन जो है तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स, न्यूनतम आदि प्रास अंत प्रास यहाँ पर देखिए, स्नेह भरा हरा भरा, आथा माता, सेकेंड वन पले हले,
नाता माता। इसके बाद जो है आपके सम्मुख देखिए कविता में बह बह कर पानी आता का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है गिर गिर कर, मिट मिट कर, सुन सुन कर, देख देख कर। तो देखिए बालक गिर गिर कर, मिट मिट कर, सुन सुन कर, देख देख कर, बालक पित्वा बालक देख देख कर सीखता है, भाषा सुन सुनकर बरसते हैं, बच्चा बच्चा गिर गिर कर बच्चा गिर गिर कर चलता है, इस कविता की प्रथम आठ पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए। इस कविता के प्रथम आठ पंक्तियों को आपको क्या करना है, कंठस्थ करना है। कहां से कहां तक, जय जय भारत माता ऊंचाई आए हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बहावा कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। एक कंठस्थ करना है जो अनुरूपता शब्द है श्यवंतवन सागर विशाल हिमालय
हिमालय ऊंचा ऊंचा या हिमालय तेरा अंधकार अंधेरा पवित्र पावना आप धरती कमल पानी सूर्य सूरज चंद्र चांद देखिए जाता हूं यहां तक आपके पूरा पोयम कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, पेयर नोट्स अच्छी तरह से लिखनी है, पद को कंदस करनी है। अब तो हम दूसरी अवधि में देखेंगे गुलाब सिंह पाठ के बारे में। धन्यवाद।